Assalamu alaikum students, this is the English teacher. I hope you all are doing fine. Today's topic is bookwork. Aaj hum logon ne bookwork karna hai. So open your textbook, page number 24, unit number 4, lesson number 4. Question number 1 karna hai humne. Question number 1 hai, make the sentences from the table. Aapko ek table diya hua hai. See this. Isme 4 columns bane hue hain. Aapko in 4 columns mein se ek sentence banana hai. फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सब्जेक्ट है, सेकंड में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इज या फिर आर. अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हम इज लगाएंगे, और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम आर लगाएंगे. थर्ड कॉलम में हमारे पास वर्ब दिया हुआ है, और वर्ब के साथ हमारे पास फॉर्म है, यानी कि फ्रॉम. फ्रॉम क्या है? प्रपोजिशन. प्रपोजिशन किसकी? ऑब्जेक्ट की. फोर्थ हमारे पास कॉलम में हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट के लिहाज से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब चूज करना है. उसके बाद हम थर्ड कॉलम से अपना फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे. उसके बाद हम फोर्थ से उस पूरे पिछले सेंटेंस को जो हमने इन तीन कॉलम्स की मदद से बनाया है उसका ऑब्जेक्ट चूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है हमारे पास सूप. सूप के सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? इज. इसके बाद सूप इज मेड फ्रॉम. अब देखते हैं कि सूप किससे बनता है. शुगर, पोटैटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, टोमेटोज. तो इस पूरे कॉलम में देखेंगे कि सूप किससे बनता है. तो सूप बनता है चिकन से. तो हम क्या बनाएंगे इसको? किससे हम मिलाएंगे? चिकन से. सूप इज मेड फ्रॉम चिकन. द सेकंड वर्ड इज आइसक्रीम. आइसक्रीम आइसक्रीम भी सिंगुलर है तो आइसक्रीम के लिए हम इज लेंगे. आइसक्रीम इज मेड फ्रॉम. पूरे कॉलम में देखेंगे आइसक्रीम इज मेड फ्रॉम मिल्क. आइसक्रीम मिल्क से बनती है तो इसको मिल्क के साथ मिलाएंगे. तो थर्ड वन इज मैक्रोनी. मैक्रोनी भी सिंगुलर है तो मैक्रोनी इज मेड फ्रॉम. मैक्रोनी किससे बनती है वो हमने देखना है पूरे टेबल में. तो देखेंगे वाइट फ्लोर. मैक्रोनी एक क्योंकि मैदे से बनती है, मैदे को हम वाइट फ्लोर बोलते हैं, तो इसलिए मैक्रोनी इज मेड फ्रॉम वाइट फ्लोर. पिज्जास. पिज्जास भी हम बिल्कुल जो उसकी डो होती है वो भी आटे की बनी होती है, तो मैक्रोनी सिंगुलर है इसलिए इज. मैक्रोनी इज मेड फ्रॉम वाइट फ्लोर. ये भी वाइट फ्लोर से बनती है इसलिए इसको भी वाइट फ्लोर से मिलाएंगे. तो नेक्स्ट इज चिप्स. चिप्स हमारे पास प्लूरल फॉर्म में लाइक दिस एस चिप्स, इसलिए हम आर लाएंगे. चिप्स आर मेड फ्रॉम. चिप्स किससे बनते हैं? पोटैटो से. तो चिप्स आर मेड फ्रॉम पोटैटोज. द नेक्स्ट इज कैंडी. कैंडी भी सिंगुलर है तो कैंडी इज मेड फ्रॉम. कैंडी हम किससे बनाते हैं? कैंडी इज मेड फ्रॉम शुगर. शुगर से बनाते हैं. द नेक्स्ट इज चीज. चीज चीज सिंगुलर है तो चीज इज मेड फ्रॉम. चीज किससे बनाते हैं? क्रीम से. चीज इज मेड फ्रॉम क्रीम. एंड द लास्ट वर्ड रोटीज. रोटीज प्लूरल है तो रोटीज आर मेड फ्रॉम. अब रोटी किसकी बनती है? आटे की. और आटे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाइट फ्लोर. रोटीज आर मेड फ्रॉम वाइट फ्लोर. सो हम ये हमने इन फोर कॉलम्स को इस टेबल से क्या किया? सेंटेंसेस बनाए. सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उसके सबसे हेल्पिंग वर्ब चूज किया. उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म लगाई, एंड देन हमने उससे रिलेटिव ऑब्जेक्ट चूज किया. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.